सिख धर्म की स्थापना से जुड़े पर्व बैसाखी में गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव जी में गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों व गुरु साहिबान की जीवनी की कथाओं को सुनकर श्रद्धालु धर्म लाभ ले रहे हैं। गुरुद्वारा श्री अर्जुन देव जी हाउसिंग बोर्ड भिलाई की प्रबंधक कमेटी के द्वारा शुक्रवार से गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ रखा गया है, जिसकी समाप्ति बैसाखी पर्व पर 14 अप्रैल को होगी। सिख पंथ के इतिहास से श्रद्धालुओं को जोड़ने के लिए गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी श्री गुरमीत सिंह जी के द्वारा सिख पंथ की स्थापना की प्रमुख घटनाओं के व्याख्यान उपस्थित साध संगत के समक्ष की गई, जिसे सुनकर सभी श्रद्धालु निहाल हो गए। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड गुरुद्वारे के हजूरी रागी जत्थे भाई प्रभजोत सिंह द्वारा कीर्तनों के माध्यम से गुरु साहिबानों के संदेशों से साध संगत को जोड़कर निहाल किया गया। इसके बाद गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं द्वारा सभी के भले की अरदास की गई व कड़ाह प्रसाद बांटा गया। इसमें उपस्थित संगत ने प्रसाद रूपी लंगर ग्रहण किया। समाज के श्रद्धालुओं ने नौनिहालों को सिख धर्म का इतिहास व उनके गुणों के बारे में बताते हुए प्रेरित किया गया कि उनके उपदेशों से शिक्षा लेकर हमें अपने जीवन में अपनी बुराइयों को हराकर अपने जीवन राष्ट्रहित में समर्पित करना है। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। समुची सिख संगत को हमारा निवेदन है, जो कल के दिन 13 अप्रैल को हम बैसाखी का पर्व बहुत प्यार से मिलकर मना रहे हैं, जो धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने 13 अप्रैल को एक वैसाख को खालसे को प्रकट किया था। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, वो खालसा साजना दिवस समुची सिख संगत बड़े प्यार से कल मना रही है। और इसी संबंध में काफ़ी दिनों से लेकर गुरुद्वारा साहिब में भजन बंदगी शब्द कीर्तन धार्मिक दीवान समागम चल रहे हैं, और कल का जो दिन है बैसाखी का, कल भी पूरा दिन गुरुद्वारा साहिब में दीवान सजेंगे, गुरु के लंगर चलेंगे, और इन दीवानों में गुरमत समागमों में हमारे पास पंजाब से दीवान विद्वान पहुँचे हुए हैं, जो हम सबको गुरु की वाणी से जोड़ेंगे, गुरु इतिहास से जोड़ेंगे। और हमारी तरफ से समूह सिख संगत को इस महान पर्व की हम अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। गुरु साहिब हमारे ऊपर ऐसे ही बख्शिश करके जे सिवाएं लेते रहें, और आप सबको धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी अमृत की दात बख्शें, अपने चरणों से जोड़ें, जे हमारी उनके चरणों में अरदास है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिख धर्म की स्थापना के इतिहास में संगत को बताया गया कि जब मुगल शासक औरंगजेब द्वारा जुल्म अन्याय व अत्याचार की हर सीमा लांग दी गई थी, तब गुरु तेग बहादुर साहिब जी को दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद कर दिया गया। तभी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को संगठित कर खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था धर्म व नेकी के आदर्श के लिए सदैव तत्पर रहना। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।